दिसंबर की एक सुबह भारी कुहासा और हल्की बारिश के बीच मैं निकला था बाहर सड़क के उस पार वाली दुकान से चाय के लिए दूध खरीदने। तभी मेरी निगाह पड़ी लोगों की भीड़ पर जो बीच सड़क से घसीट कर कुछ किनारे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पास गया तो देखा एक खून से लथपथ मरी हुई कविता थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ दिनों से बहुत परेशान थी बेचारी, क्योंकि उसे कोई पढ़ नहीं रहा था। निराश होकर कूद गई ट्रक के सामने, मर गई बेचारी। मैंने बहुत ध्यान से देखा उसकी लाश को। अब उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। ऊपर से शीर्षक उखड़कर उसकी किसी पंक्ति में जाकर मिल गया था। कोई कॉमा और खड़ी पाई मुझे नहीं दिखी उसमें। छोटी सी कविता थी, कुछ ही पंक्तियों की, 2 मिनट भी नहीं लगता उसको पढ़ने में। लेकिन पता नहीं क्यों बेचारी को किसी ने भी नहीं पढ़ा। किसी ने कहा वो बहुत छोटी थी शायद, इसीलिए उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बगल से गुजरते किसी सज्जन ने कहा कि उसको लाल स्याही से लिखा गया था, डर के मारे उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। एक नौजवान ने कहा कि वो चुनी हुई सरकार के विरुद्ध कुछ कह रही थी, उसने तो इसीलिए उसे नहीं पढ़ा। किसी बुजुर्ग ने कहा कि जिस कवि ने उसको लिखा था वो राजद्रोह के आरोप में बंद है जेल में, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं पढ़ा। थोड़ी ही देर में म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ गई। 3 लोग बहुत हड़बड़ी में उससे उतरे। उनमें से एक ने बाकी 2 को आदेश देने के लहजे में कहा, चलो रे जल्दी से उठाओ इस लाश को, मुर्दा घर पहुंचा देते हैं। न पुलिस केस बनता है न पोस्टमार्टम, एक कविता ही तो है जो मर गई। कविता की लाश को गाड़ी में लादा गया और वो गाड़ी जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से चली गई। लोगों की भीड़ छट गई। कुछ ही घंटों में सड़क पर बिखरा हुआ उस कविता का खून सूख गया। शाम तक किसी को याद भी नहीं रहा कि उस जगह पर एक कविता की मौत हुई थी।